जय हिंद साथियों, नमस्कार। गायत्री ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी को स्वागत है। हम लोग देखेंगे बीएड इंट्रेंस 2024 शिक्षण अभिक्षमता। तो इसमें हम लोग 7 वीडियो देख चुके थे, हम लोग आज मॉडल सेट 8 देखेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो इसमें मॉडल प्रैक्टिस सेट कितना है, ये 8 है। इससे पहले हम लोग कितना देखे थे, तो 7 देखे थे। जो लोग नहीं देखे हैं, गायत्री ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आइए और प्ले लिस्ट में जाइए, वहां से सारा वीडियो आप एक एक करके देख सकते हैं। और जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए, मेटेरियल चाहिए, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं 736192042, या नहीं तो इस नंबर पे कॉल करके आप सारी जानकारी ले सकते हैं। आइए हम लोग अपनी विषय वस्तु की ओर लौटे। तो बिना समय गमाए हुए शुरू करेंगे फर्स्ट प्रश्न की ओर। तो फर्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, बालक की शक्ति का वह, यानी क्या है, बालक की शक्ति का वह अंश जो किसी काम नहीं आता है वह खेलों के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है, वह क्या है, यानी वह क्या है। तो वह अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। ऑप्शन ए क्या होगा, राइट आंसर। ऑप्शन ए क्या होगा, राइट आंसर। आइए नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 मौलिकता का, यानी प्रश्न संख्या 2 क्या है, तो मौलिकता का गुण पाया जाता है किसमें, तो सृजनशील बालकों में। ऑप्शन सी क्या होगा, राइट आंसर। ऑप्शन सी क्या होगा, राइट आंसर। आइए नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, प्रश्न संख्या 3 अधिगम सिद्धांतों एवं, प्रश्न संख्या 3 में दिया गया है अधिगम सिद्धांतों एवं उनके प्रवर्तक का कौन सा गुण यानी युग्म असंगत है, कौन सा, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत क्या है, कोहलर, यही क्या है, तो असंगत है। ऑप्शन बी क्या होगा, राइट आंसर। ऑप्शन बी क्या होगा, राइट आंसर। आइए नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, चलिए प्रश्न संख्या देखेंगे हम लोग, 3 हो गया 4। 4 दिया गया है, प्रश्न संख्या 4 में है, छात्रों को अपना अधिकतम विकास, छात्रों को अपना अधिकतम विकास करने में सहायता देने के लिए क्या आवश्यक है, तो परामर्श की आवश्यकता पड़ती है। ऑप्शन ए क्या होगा, राइट आंसर। ऑप्शन ए क्या होगा, राइट आंसर। आइए नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, प्रश्न संख्या 5, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जीन, प्रसिद्ध जो है मनोवैज्ञानिक कौन, जीन पियाजे के अनुसार ज्ञानेंद्रियों का विकास किस अवस्था में होता है, ये संवेदनात्मक स्थिति अवस्था में, यानी ऑप्शन बी क्या होगा, राइट आंसर। ऑप्शन बी क्या होगा, राइट आंसर। आइए नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 दिया गया है, अपने विषय के शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए, प्रश्न संख्या 6 दिया गया है, अपने विषय के शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए आप क्या करेंगे, तो आप कक्षा में वही कार्य करने के लिए क्या है, तो वही कार्य करने के लिए कहेंगे तथा उसका परीक्षण करेंगे। ऑप्शन क्या होगा, डी, राइट आंसर। ऑप्शन डी क्या होगा, राइट आंसर। आइए नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, 7। प्रश्न संख्या 7 में कहा गया, जो शिक्षा के क्रियाशीलता के सिद्धांत का क्या अर्थ है, तो क्या अर्थ है, जो छात्र क्रियाशील होते हैं उन्हें करने सीखने का अवसर दिया जाना चाहिए। ऑप्शन बी क्या होगा, राइट आंसर। ऑप्शन बी क्या होगा, राइट आंसर। आइए नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 है, छात्रों में मौखिक, यानी कहा छात्रों में मौखिक अभिव्यक्ति को विकसित, यानी विकसित करने का तरीका है, तो विकसित करने का ये क्या तरीका है, तो ये विकसित करने का तरीका है परिचर्चाओं का आयोजन, ये भी है, और भाषण प्रतियोगिता का आयोजन, ये भी सही है, अंत्याक्षरी का आयोजन, ये भी, यानी ये सभी। ऑप्शन डी क्या होगा, राइट आंसर। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, प्रश्न संख्या 9। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उद्देश्य है, प्रश्न संख्या 9 कहा गया, वस्तुनिष्ठ जो ये प्रश्न है इसका क्या उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य है छात्रों की कौशलता एवं ज्ञानोपार्जन की जांच। ऑप्शन डी क्या होगा, राइट आंसर। ऑप्शन डी क्या होगा, राइट आंसर। आइए नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, 10। प्रश्न संख्या 10 गार्डन के बुद्धि सिद्धांत के अनुसार, प्रश्न संख्या 10 जो दिया गया है ये गार्डन के बुद्धि सिद्धांत के अनुसार
बुद्धि का एक प्रकार है, ये क्या है, तो ये बुद्धि का जो एक प्रकार है ये भाषी बुद्धि ये भी है, स्थानिक बुद्धि ये भी है, और अस्तित्ववादी बुद्धि ये भी। ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर, ये सभी ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। आइए नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की, प्रश्न संख्या जो है 11 दिया गया है, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा यानी एनसीएफ 2005 के अनुसार मार्गदर्शन सिद्धांत में निहितार्थ है, निहितार्थ है। ऑप्शन क्या होगा सी राइट आंसर, ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना। ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर। आइए नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, प्रश्न संख्या 12। प्रतिभावना, प्रतिभा यानी प्रतिभावना बालक की पहचान, प्रश्न संख्या 12 जो है प्रतिभावना, प्रतिभावन बालक की पहचान अवलोकन द्वारा नहीं की जा सकती, क्योंकि क्योंकि क्या होगा तो अवलोकन वस्तुनिष्ठ तकनीक नहीं है, अवलोकन व्यक्ति यानी व्यक्तिनिष्ठ प्रविधि है, यह भी होगा, अवलोकन सिर्फ विशेषज्ञों द्वारा ही किया जा सकता है, ये भी है, यानी ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर। आइए नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, प्रश्न संख्या 13। 13 क्या कहा, वह प्रक्रिया जिसके फलस्वरूप बालक, वह प्रक्रिया जो है जिसके फलस्वरूप बालक, प्रक्रिया जिसके फलस्वरूप बालक सामाजिक व्यवहारों को स्वीकार करता है और उसके साथ अनुकूलन करता है वह क्या कहलाती है, सामाजिककरण कहलाती है, वह क्या कहलाती है सामाजिककरण कहलाती है। आइए नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है 14 देखेंगे, तो 14 दिया गया है, प्रश्न संख्या 14। जब कोई बालक अपना क्या करे, जब कोई बालक अपना स्व मूल्यांकन करने के साथ साथ सहपाठियों के मूल्यांकन हेतु भी सहभागिता करता है तो इस प्रकार का मूल्यांकन कहलाता है, क्या कहलाता है रचनात्मक मूल्यांकन। ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर। आइए नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 दिया गया है मानव संज्ञानात्मक सिद्धांत, प्रश्न संख्या 15 में क्या है तो मानव जो है ये क्या, तो मानव संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार जो है ज्ञान क्या है, तो ये ज्ञान है कौन चीज, तो ज्ञान केवल व्यक्तियों में होता है ये भी है, केवल समाज में होता है ये भी सही है, यानी क्या होगा केवल ए और बी जो है दोनों में होता है, यानी सी इसका क्या होगा राइट आंसर, सी क्या होगा राइट आंसर, यानी दोनों में होता है। आइए देखते हैं 15 हो गया 16। प्रश्न संख्या 16 है समावेशी शिक्षा, प्रश्न संख्या 16 क्या दिया गया है समावेशी शिक्षा समर्थन करती है किसको, असमर्थ बालकों को समर्थ बालकों के साथ क्या, तो समान अधिकार देने में, देने का। ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर। आइए नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 देखेंगे क्या है, तो 17 दिया गया अपनी कक्षा में एक बालक, प्रश्न संख्या 17 में दिया गया अपनी कक्षा में एक बालक नए और अधिक यानी सहचरियों के निर्माण में निहित रहता है, शिक्षक होने की दृष्टि से अपन आप उससे किस श्रेणी में रखेंगे, तो सृजनात्मक यानी ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर। आइए नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 आप लोग के सामने है, आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 18 क्या दिया गया, तो 18 में कहा गया पूर्व बाल्यावस्था में बालक में जिन सामाजिक विशेषताओं का अभिभाव और विकास होता है उनमें से प्रमुख नहीं है, क्या नहीं है परिपक्वता, ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर। आइए नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, प्रश्न संख्या 19 दिया गया है जटिल यानी समस्यात्मक, जटिल यानी क्या समस्यात्मक जो है ये बालक के लक्षण कौन से हैं, यानी क्या है ऑप्शन ए राइट आंसर, विशेष प्रकार की शारीरिक रचना। आइए नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है,
प्रश्न संख्या 20 देखेंगे हम लोग। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 20 क्या है। विद्यालय में सभी नहीं खेल पाते, प्रश्न संख्या 20 दिया गया है। विद्यालय में सभी नहीं खेल पाते, चाहे उनकी रुचि खेल की तरफ हो, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों होता है जो सभी नहीं खेल पाते? तो ऐसा इसलिए होता है, सभी विद्यालयों में खेल के मैदान का अभाव है। ऑप्शन डी क्या होगा? राइट आंसर। ऑप्शन डी क्या होगा? राइट आंसर। आइए नेक्स्ट प्रश्न, यानी नेक्स्ट जो है 21 आप लोग के सामने है। 21 देखेंगे क्या है। हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए, प्रश्न संख्या 21 है। हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए किसमें? पिछड़े बालकों को। ऑप्शन ए क्या होगा? राइट आंसर। ऑप्शन ए क्या होगा? राइट आंसर। आइए नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है 22। 22 देखेंगे क्या है। तो 22 है प्रतिद्वंद्वात्मक। 22 क्या है? प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण की अवस्था कहा जाता है बाल्यावस्था को। ऑप्शन बी क्या होगा? राइट आंसर। ऑप्शन बी क्या होगा? राइट आंसर। आइए नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने 23। 23 में दिया गया है किशोरावस्था की प्रमुख, 23 में क्या दिया गया? किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता क्या नहीं है? तो मानसिक विकास। ऑप्शन ए क्या होगा? राइट आंसर। ऑप्शन ए क्या होगा? राइट आंसर। आइए नेक्स्ट प्रश्न 23 हो गया। 24, निम्न में से कौन सा जो है बुद्धि परीक्षण परीक्षण व्यक्तिक क्रियात्मक प्रशिक्षण यानी क्या है? परीक्षण है, यानी कौन सा? तो री क्या है? पोर्ट, यानी कहा गया पोर्टिपस भूलैया परीक्षण। पोर्टिपस भूलैया परीक्षण। ऑप्शन सी क्या होगा? राइट आंसर। आइए नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है 25 है अधिगम के अनुसार। 25 क्या है? अधिगम, यानी अधिगम के अनुसार सिद्धांत एवं यानी अधिगम सिद्धांत, अधिगम के सिद्धांत एवं उनके प्रवर्तकों का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यानी इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हो जाएगा अनुकरण सिद्धांत, यानी क्या है? क्लर्क हॉल मॉडल। ऑप्शन डी क्या होगा? राइट आंसर। आइए नेक्स्ट टॉप 25 प्रश्न देखिए। ये वीडियो था 8वां मॉडल सेट था। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।